रमजान की एक शाम थी, इफ्तार का वक्त करीब था। भूख और प्यास बर्दाश्त करते करते होंठ खुश्क हो गए थे। सबकी नजरें वहीं टिकी हुई थीं जहां सूरज गुरूब होता है, लेकिन रोजा खत्म होने के इंतजार में नहीं, बल्कि दुश्मन की फौज के इंतजार में। ये कोई ख्याली मंजरकशी नहीं, बल्कि ऐसे कई वाकयात हकीकत में पेश आ चुके हैं। भला उनमें से कौन कौन सा हमें याद है? नंबर एक, इस्लाम की पहली फतह। मैदान बदर में फकत 313 के लश्कर ने अपने से तीन गुना बड़ी फौज को रमजान सन 2 हिजरी में शिकस्त दी, और इस तरह रियासत मदीना ने पूरे अरब पर अपनी धाक बिठा दी। नंबर दो, स्पेन की फतह का आगाज सन 93 हिजरी। स्पेन की फतह का आगाज रमजान में हुआ। 12,000 मुजाहिदीन ने तारिक इब्न ज़ियाद की कयादत में एक बड़ी फौज को शिकस्त दी, और इसी मार्के में दुश्मन फौज का सिपा सालार किंग रॉड्रिक मारा गया। ये आधे यूरोप की फतह की इब्तिदा थी, उस यूरोप की जहां मुसलमानों ने 8 सदियों तक हुकूमत की। नंबर तीन, ऐन जालूत में मंगोलों की शिकस्त। तारीख की बड़ी सल्तनतों में से एक मंगोल एम्पायर थी, जो हलाकू खान के जमाने तक आधी दुनिया को तबाह कर चुकी थी। समरकंद से दमिश्क तक मुस्लिम दुनिया उनकी गुलाम बन चुकी थी। यहां तक के मंगोल मिस्र पर हमलावर हुए, जहां ममलुकों की एक छोटी सी रियासत थी। उन ममलुकों ने अपने से सैकड़ों गुना बड़ी एम्पायर को ऐन जालूत के मैदान में शिकस्त भी इसी रमजान के महीने में दी, जिसके बाद मंगोल फिर कभी संभल ना पाए और आखिरकार तमाम मुस्लिम इलाके आजाद हो गए। नंबर चार, फतेह मक्का। काबतुल्लाह का शहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाय पैदाइश। ऐसे फतह हुआ कि मदीने से एक अजीम लश्कर मुजाहिद आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कयादत में ऐन रमजानुल मुबारक में निकला, और मक्का वालों को इससे मुकाबले की हिम्मत ना पड़ी। यूं बगैर खून खराबे के ऐसी फतह मिली जिसने इस्लाम के लिए पूरे अरब का दरवाजा खोल दिया। नंबर पांच, तख्लीके पाकिस्तान। हिंदुओं और अंग्रेजों के खिलाफ मुसलमानों की तवील जद्दोजहद के नतीजे में रमजान ही में जदीद दौर की पहली इस्लामी रियासत आलमी नक्शे पर पाकिस्तान की शक्ल में नमूदार हुई। तो रमजानुल मुबारक जबान के चटखारों, लंबी नींदों और रोजा बहलाने का महीना नहीं, बल्कि अपने कंफर्ट जोन से निकलकर इस्लामी निजामे हुकूमत को कायम करने की जद्दोजहद का महीना है।